सो हाय गाइस, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई आज के इस वाले वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा आई बटन से कैसे मतलब टीडीएम पे बहुत सारे बंदे जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि टीडीएम पे आई बटन से ही मतलब एनिमी को डाउन कर दे रहे हैं, एम लगा के, आई बटन से एम लगा के डाउन कर दे रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, कितना इसका सेंसिटिविटी रखना चाहिए आपको आई बटन का, और फायर बटन और आई बटन को किस टाइम पे आपको क्लिक करना चाहिए तो ये चीज़ वर्क होगा। तो भाई चलिए इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो पे बने रहना। और कुछ क्लिप्स आप अगर देख लेते हो तो यहाँ पर बाद में आपको एंड पे बताते हैं कैसे आपको वर्क कराना। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्लिप्स आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा दिखता है। गाइज यहाँ पर चलो आपको अभी आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पर क्या सेंसी मतलब रखना है इसका आई बटन का, और इसको यूज़ कैसे करना है, इसका फायर बटन और आई बटन को किस तरह से आप यूज़ करोगे जो आपको मतलब एनिमी को टारगेट कर पाओगे और मार पाओगे मतलब डाउन कर पाओगे। तो देखो अभी मैं जो बेसिक चीज़ है आपका इसका मैं आई बटन का सेंसिविटी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मेरा 153 यहाँ पर सेंसिविटी है आई बटन का, तो 153 मैं यहाँ पर रखा हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस मतलब 153 में हो चुका और मैंने ये वन डे पे ही मतलब सीखा। तो ऐसा नहीं अगर मैं रोज़ रेगुलर ये प्रैक्टिस करता तो यार शायद ये टीडीएम में एक बेस्ट मतलब होता। बट मैं अगर टीडीएम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं टीडीएम आज खेला तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा, क्योंकि देखो एक तो मैं फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहा हूँ, वो भी गाइस मतलब वन डे हो चुका है, मतलब अभी जो मैं जस्ट मतलब शाम को वीडियो बनाता हूँ तो मतलब शाम को मैंने जस्ट मतलब प्रैक्टिस किया और टीडीएम पे गया। तो भाई मतलब 5 से 6 किलो में मतलब टीडीएम पे ये ट्रिक से, क्योंकि देखो मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस मतलब ये ट्रिक से तो भाई नहीं कर पाया इतना किल्स। बट जितना हुआ आपको मैं आपको मेरा जो गाइज मैं जो कंटेंट मैं बनाता हूँ यूट्यूब पे टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो गाइज मेरा जो हक है गाइज आपको बताना कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बस बता दूंगा कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हो, बाकी आप उसमें आप अपने रिफ्लेक्स करके या फिर मेहनत करके कैसे इंप्रूव करते हो ये आपके ऊपर है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर थर्ड पर्सन नोस्कोप जो है गाइस आई बटन का जो सेंसिविटी है तो 153 है, आप यहाँ पर चाहो तो 200 भी कर सकते हो। इससे क्या होगा आपका जितना अच्छा रहेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आई बटन जितना फास्ट रहेगा आप जितना फास्ट एम ले जा सकते हो एनिमी के ऊपर उतना आपके लिए सही रहेगा। बट आप यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसे कम ही रखना कुछ 153 में, जितना मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था तो यहाँ पर मैं 153 कर देता हूँ यहाँ पर। तो बस यही ज़्यादा जरूरी चीज़ था आपका। अब जो ज़्यादा जरूरी चीज़ आता है एम वगैरह और आपका जो किस तरह से आपको फायर करना चाहिए, तो पहले आप ये चीज़ देख लो कि आपको किस किस टाइम पर दोनों को क्लिक करना। जैसे कि मान लो ये आई बटन है, अगर आप पीछे एनिमी है तो आपको इस पर फायर कैसे करना, तो वन मतलब एक सेकंड से भी ज़्यादा मतलब 1 मिली सेकंड से भी ज़्यादा फास्ट आपको यहाँ पर मतलब जो ये जो आई बटन है इसको छोड़ के फायर करना, ठीक है। इसको छोड़ के जस्ट फायर करना मतलब मिली सेकंड जो होता है ना गाइस उसमें आपको फायर करना है यहाँ पर इसको छोड़ के। अगर आप इस तरह फायर करोगे जैसे ऐसे तो देखो आपका फायर जो है गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरा आगे जा रहा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मेरा फायर जो आगे चल गया। बट अगर आप वही मिनी सेकंड जो होता है गाइस आप अगर मतलब जस्ट जैसे छोड़े से फायर करते हो तो आपका पीछे फायर जाएगा। देखो तो गाइस देख सकते हो मेरा फायर जो एकदम पीछे जा चुका है, ये कुछ यहाँ पर गाइस गायब हो गया बट यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फायर आया था, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो फिर से मेरा फायर एकदम पीछे जा चुका है, तो फिर से मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं पीछे मतलब फायर कर रहा हूँ और भाई इजीली मतलब पीछे फायर चला जा रहा है। बट कैसे जा रहा है, आपको फास्ट फायर करना है। कैसे फास्ट फायर करना है, जैसे आपका जो ये आई बटन है गाइस जस्ट जैसे छोड़ना वैसे ही आपको फायर करना, जैसे आप छोड़ोगे उसी टाइम आपको फायर कर देना। ये नहीं कि आप इसे पकड़ के रखो फायर करो तो देखो कुछ भी फायर नहीं होगा आपका, आप जैसे इसको छोड़ोगे तभी फायर होगा, जैसे छोड़ोगे उस टाइम फायर करना। ये नहीं कि आप इसे मतलब छोड़े और इस जगह में फायर किए, तो ऐसे नहीं, आप जैसे छोड़ोगे उसी टाइम आपको फायर भी करना। तो चलो ये चीज़ आपने सीख लिया कि कैसे आपको फायर यहाँ से होना चाहिए। तो अभी चलो आपको बताते हैं कि आप एनिमी को कैसे मार पाओगे। तो जैसे कि चलो ये बोर्ड पे आते हैं, ये थोड़ा ठीक लेवल पे, हाइट के लेवल पे। तो देखो जैसे कि मान लो आप मतलब इधर एनिमी, ठीक है, और आप इधर से जा रहे हो, तो आप ADS जो है इसी तरह रखोगे, ठीक है, आपका जो क्रोसेयर है आप तो इसी तरह रखोगे ना। जैसे मान लो यहाँ ये वाला जो बोर्ड गाइस एनिमी है,
तो आप जाओगे इधर तो आपका जो एडीएस है इस तरह रहेगा। तो आपको इसी तरह का चीज़ आपको, चलो यहाँ पर मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ। मान लो आप इधर जा रहे हो और आपका एडीएस जो है एनिमी पे इस तरह है, ठीक है, इसी तरह आप आगे जाते हुए, तो आपको जैसे क्रोसेयर जो है, क्रोसेयर नहीं गाइज, आपका जो ये आई बटन है गाइज, इसको जस्ट आपको छोड़ना और फायर करना। अगर आप देखो, अगर आप इस तरह से फायर करोगे तो आपका फायर आगे जाएगा, लेकिन अगर आप जस्ट मतलब थोड़ा सा ही में मतलब फायर कर दोगे, जैसे मतलब आपका जो है आई बटन छूटता है फायर कर दोगे, तो देखो गाइज यहाँ पर बोर्ड हमारा गिर चुका है, ठीक है। तो आपका जो क्रोसेयर है गाइज, आपका एडीएस जो है गाइज यहाँ पर, ये जैसे एनिमी का मतलब हेड पे जाएगा, या फिर बॉडी शॉट भी टीडीएम पे चलता है, हेड शॉट ही आ जाता है भाई, ठीक है। तो जैसे जाएगा आपको उसी टाइम फायर कर देना, ठीक है। ये नहीं कि आप लेट पे करोगे तो आपका फायर इधर आ जाएगा। तो यही चीज़ें, अगर आप जैसे आ रहा उसी टाइम आपको फायर करना है। देखो गाइज कुछ इस तरह, तो देखो यहाँ पर हमारा बोर्ड जो है गिर चुका है। तो गाइज यही था आज के इस वाले वीडियो पे। तो गाइज वीडियो सही लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो भाई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।